गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। इससे पहले चैप्टर हम लोगों ने मल्टीपल्स पढ़ा है, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। There are some common rules on facts about multiples that we must remember. कुछ rules होते हैं multiples में, इसे आपको याद रखना है। For example, each number is a multiple of itself. सभी number जो होते हैं, ठीक है, वो खुद के भी multiple होते हैं। जैसे 3 1 3, 5 1 5, तो कोई भी नंबर हो, 3 का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, जिसका भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर यू विल गेट, है ना। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, सभी नंबर को हम 1 से मल्टीपल करते ही हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 1 7 1 8 1 एंड सो ऑन। थर्ड इज़ 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। आप ये हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी आपको 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 0 × 4 आंसर इज़ 0, अगर आप 5 × 0 तब भी आपका आंसर 0। तो 0 से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज़ 0 ऑलवेज। The first multiple of every number is number itself. तो आप जब भी कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 1 करो तो 2 ही आएगा। तो जिस भी नंबर को आप करते हैं तो वो नंबर वही आता है। 2 का करेंगे 1 से 2 आएगा, 3 का करेंगे 1 से 3 आएगा, 4 का करेंगे 1 से 4 आएगा। तो जिस भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर शुड बी इटसेल्फ, वो सेम नंबर ही होता है। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफिनाइट। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो इनफिनाइट, जैसे 10 का है यहाँ पे, है ना, तो 10 का अगर करेंगे 10, 20, 30, इस तरीके से 1000, 10,000, लाख, करोड़, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप 2 का भी करेंगे, आप टेबल पढ़ते हैं 2 10s are 20 तक, लेकिन अगर हम मल्टीपल्स निकालेंगे 2 11s are 2 12s are 13s are 14s are 15s करके, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी। ओके, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई इट विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम मल्टीपल करते हैं तो वो जो डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली वही नंबर से हम डिवाइड जो करते हैं, जिससे हमें मल्टीपल जो है वो क्या मिलता है, लिविंग अ विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो उसमें हमेशा रिमाइंडर बचता नहीं है, लास्ट में डिवाइड करने से रिमाइंडर इज 0। जैसे 5 divided by 5, तो आपका क्या आया इसमें, जैसे अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ 5 divided by 5, तो देखो आप इस तरीके से लिखेंगे तो 5 1 5, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 जो है वो इसका मल्टीपल है, 15 divided by 5। यहाँ पे देखिए 15 divided by 5, तो आप 15 करेंगे यहाँ पे, 5 3s are 15, तो ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, मतलब 3 is multiple of 5। अगर वही नंबर मल्टीपल हो सकता है जिसके साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, अगर 14 लेती हूँ और यहाँ पे अगर मैं 5 करती हूँ, तो सपोज़ मैं 5 2 10, 4, तो 4 अगर हमारा रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स 2 is not multiple of 5, 5 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर हो गया आपको।